फ्रॉम न्यूटन स्टडी आई एम मिस्टर पीएन सिंह माई क्वालिफिकेशन इज एम एस सी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एच टी जैन कॉलेज आरा आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ द टॉपिक इज रिलेटेड टू चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द टॉपिक इज रिलेटेड टू चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टूडे टॉपिक इज सो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू टू दैट ऑफ द मीडियम वन और रिफ्रैक्सिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्सिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन दिस हैज to verify that refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is equal to the ratio of the refractive index of medium 2 to that of the medium 1 It means that verify that refractive index of medium 2 is equal to the ratio of refractive index of medium 2 by refractive index of medium 1. Let M is a medium. We know that refractive index is equal to a speed of light in vacuum by a speed of light in medium M. Hence, refractive index is equal to C by V. C, a speed of light in medium speed of light in air or vacuum. C indicates a speed of light in vacuum and V shows that a speed of light in medium 1, medium M. Hence, refractive index of medium 1 is equal to C by V. If N1 and N2 are the absolute refractive indexes and medium 1 and medium 2 respectively. मान लीजिए सपोज कीजिए कि medium 1 का refractive index जो है N1 है and medium 2 का refractive index जो है N2 है. इंडिसेज जो है इंडेक्स का जो है प्लूरल है, इंडेक्स जो है सिंगुलर नंबर है और इंडिसेज जो है उसका प्लूरल है. एंड V1 एंड V2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया. मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट V1 एंड मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट V2 है. हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू सी बाई V1 because C is the speed of light in vacuum or V1 is the speed of light in a medium.
वी कैन राइट वी वन इज इक्वल टू सी बाई एन वन. फॉर द नेक्स्ट मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज इक्वल टू सी बाई वी टू. इंप्लाई वी कैन राइट वी टू इज इक्वल टू सी बाई एन टू. स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन वी वन स्पीड ऑफ लाइट वी टू इन मीडियम टू. हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इज इक्वल टू सी बाई वी वन. इंप्लाई वी कैन राइट वी वन इज इक्वल टू सी बाई एन वन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज इक्वल टू सी बाई वी टू. वी कैन राइट वी टू इज इक्वल टू सी बाई एन टू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium one. It means that refractive index of medium two with respect to medium one is equal to V1 by V2. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. We can write refractive index of medium 2 is equal to speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2. So we can write V1 by V2. Imply the value of V1 is equal to C by N1. And the value of V2 is equal to C by N2. Is equal to C by N1 multiply N2 by C. ये डिवाइड में है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सी सी कैंसिल इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन. दिस इज वेरीफाई दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू टू दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन. दिस इज वेरीफाई दैट रिफ्रैक्टिव. नेक्स्ट टॉपिक प्रूव दैट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. प्रूव दैट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. दिस रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर स्लैब. सपोज P, Q, R, S.
पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब। दिस इज अ ग्लास। ए बी इज इंसिडेंट रे। ए बी इज इंसिडेंट रे। दिस वर्टिकल लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल। बी सी इज रिफ्रैक्टेड रे। सी डी इज इमर्जेंट रे। दिस एंगल इज रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस एंगल इज रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दिस एंगल इज रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। दिस इज डिनोटेड बाई आई। दिस एंगल इज डिनोटेड बाई आर वन। दिस एंगल इज डिनोटेड बाई आर टू। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज डिनोटेड बाई ई। फॉर इन द फिगर ए बी इज द इंसिडेंट रे। बी सी बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंड सी डी इज द इमर्जेंट रे। फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। फॉर रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी इट मीन्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर वन। बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हैंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर वन। फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इज इक्वल टू साइन आर टू बाई साइन ई। रिफ्रैक्टिव फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आर टू बाई साइन ई। नाउ वी कैन राइट साइन ई बाई साइन आर टू इज इक्वल टू वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। नाउ साइन ई बाई साइन आर टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
वी कैन राइट सिंस साइन ई बाई साइन आर एयर टू ग्लास हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर टू दिस सेकेंड इक्वेशन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड साइन आर टू वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर टू सिंस आर वन इज इक्वल टू आर टू एंगल आर वन इज इक्वल टू एंगल आर टू by alternate angles R1 and R2 is equal by alternate angles hence sin R1 sin R2 cancel imply sin I is equal to sin E imply angle I is equal to angle E angle I is equal to angle E hence incident ray AB Incident ray AB is parallel to the emergent ray CD. This is verified that incident ray is parallel to the emergent ray. In the figure, AB is the incident ray, AB is the incident ray, BC is the refracted ray, and CD is the emergent ray. For refraction at point B पर refraction के लिए refraction of glass, refractive index of glass is equal to sin I by sin R1,
फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आर टू बाई साइन ई. नाउ वी कैन राइट साइन ई बाई साइन आर टू इज इक्वल टू वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. नाउ वी कैन राइट साइन ई बाई साइन आर टू. दिस इज द रेशियो ऑफ एयर टू ग्लास. हेंस दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. नाउ वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर टू. सिंस आर वन एंड आर टू आर द अल्टरनेट एंगल्स हेंस दीज आर इक्वल. नाउ वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप साइन आई इज इक्वल टू साइन ई. साइन साइन कैंसिल हेंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. दिस इज वेरीफाइड दैट इंसिडेंट रे ए बी इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे सी डी. नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग. एट लास्ट इफ यू कंप्लीट योर सिलेबस और गेन नॉलेज यू मस्ट सब्सक्राइब न्यूटन स्टडी. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक. थैंक यू.